सागर प्रताप सिंह की गाड़ी खुद फिसलकर सड़क से इतनी दूर नहीं जा सकती। आई एम श्योर इससे भी कुछ जुड़ा हुआ है। सर सर ये देखिए, इन कीचड़ में किले से भरा हुआ एक टुकड़ा मिला लकड़ी का। सागर के गाड़ी के टायर पंचर थे इन किलों की वजह से। और ये देखिए यहाँ पर स्किड मार्क भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब है सागर की गाड़ी पहले पंचर हुई फिर स्किड होकर सड़क की उस एज तक गई। पर सवाल ये है कि सागर इस सड़क पर आया क्यों जबकि लोग ज्यादा इस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते। सर ये देखिए सर, इन झाड़ियों में से ये बोर्ड मिला। अब सब समझ आ रहा है, यहाँ आसपास कोई काम नहीं चल रहा। ये बोर्ड जानबूझकर किसी ने लगाया है कि सागर यहाँ आएगा और उसकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। यहाँ से सड़क की फिसलन शुरू होती है और जिसने भी ये काम किया है वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर टायर पंचर हो गया तो सागर की कार कंट्रोल के बाहर हो जाएगी और पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। इससे एक बात तो साफ है, ये सिंपल एक्सीडेंट का केस नहीं है, ये एक अटेम्प्टेड मर्डर है। पर कौन हो सकता है ये? पानी सर से ऊपर चला गया। विद्या बहुत चालाक हो गई है। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा वरना ये मेरा भांडा फोड़कर मुझे सबके सामने लाकर ही दम लेगी। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर ये ऐसा शख्स मिला है जो इस साजिश में शामिल था। कहाँ मिला ये तुम्हें? सर ये झाड़ियों में डायवर्जन का बोर्ड ढूंढ रहा था। इसका कोई पुराना रिकॉर्ड है? नामचीन गुंडा है सर, बहुत से केसेस है इसके ऊपर। साहब मैं कसम खा के कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अभी पता चल जाएगा, ले जाओ इसे गाड़ी में। सर प्रकाश जी। सर कुछ बताया इसने? जी नहीं, अब तक तो कुछ नहीं पता चला। ये सेल फोन हाथ में आया है जिससे एक दिलचस्प बात सामने आई है। इस सेल फोन से सागर प्रताप सिंह के घर बहुत से कॉल्स किए गए हैं। अगर ये आदमी सागर के घर इतने सारे फोन करता है तो इसका मतलब ये है कि असली गुनहगार इस परिवार के ही अंदर है। यस सर। सिंदूरा दीदी आप ये बैग संभालिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अब इनके बैग्स मैं संभालूंगी, यही बाकी रह गया है। आई एम ACP गणेश जी। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित होता है कि सागर जी का एक्सीडेंट एक अटेम्प्टेड मर्डर है और गुनहगार आपके ही घर में है। हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, बलवंत। लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। लेकिन एक बात साफ है कि उससे काम करवाने वाला शख्स आपके ही घर में मौजूद है।
हम अभी आपके घर जा रहे हैं, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? I mean, इससे क्या फायदा? सागर जी की मौत से किसी को तो फायदा होगा। घर की तलाशी लेने से शायद कोई सबूत मिले कि वो कौन शख्स है जिसे सबसे ज्यादा फायदा है। हमारे पास ये सर्च वारंट है, आप प्लीज इसमें साइन कर दीजिए। डोंट वरी, गुनहगार जल्द ही पकड़ा जाएगा। चलिए। सागर की मौत से सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही होगा। अगर ये बात इन लोगों को पता चल गई तो इनका सारा शक मुझ पर आ जाएगा। इससे पहले कि ये लोग घर पहुंचे, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचकर वो पेपर्स को हटाना होगा जिन पर मैंने सागर के साइन करवाए थे। सिंदरा तेरी चाय। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सर अभी अभी आपने ब्लड दी और एनर्जी के लिए जूस पीना बहुत जरूरी है, प्लीज आप पी लीजिए। हर्ष, हर्ष क्या हुआ आपको? चलिए कमरे में चलिए, आई चलिए संभाल। बहुआ जी, क्या आप अभी भी इस बात को झुठला सकती हैं कि आप हमसे प्रेम करती हैं? बहुआ जी प्लीज हमसे दूर मत जाइए। बहुआ जी ये लीजिए। क्यों जिद कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं आप मुझसे, कि मैं अपने हाथों से अपनी बहन का घर तोड़ दूं? खुद तो चैन से जीते नहीं, मुझे भी चैन से नहीं जीने दे रहे। मुझे सबसे आगे बढ़ना है हर्ष। बहुआ जी क्या आप हमारे बिना अकेली आगे बढ़ पाएंगी? प्यार जिंदगी भर के लिए होता है और हम आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं जी सकते, और हम ये भी जानते हैं कि आप भी हमारे बिना नहीं जी सकती। मैं ऐसे बहुआ जी प्लीज प्लीज। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती। यहां तक पहुंच चुकी है। चंद्रमुखी देखो ये सब कुछ। बस कीजिए हर्ष, जब मुझे छूना होता है तब आपका व्रत होता है, और इन्हें छूने के लिए कुछ नहीं। और आप मोहम्मदी मेरे पीठ पीछे ऐसा बर्ताव, मेरी बहन होते हुए आप मेरे पति पर डोरे डाल रही है, शर्म नहीं आती आपको दी? हमारे पति को फांसने की कोशिश कर रही है आप, शर्म नहीं आती आपको? एक बात बताइए, हमारे पास बताइए, बताइए हमारे पास, बताइए, धोखा दे रहे हैं आप हमें। आप और भगवान जी दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं।
तुम जो समझ रही हो वो गलत समझ रही हो चंद्रमुखी। चंद्रा बात तो सुनो, किसी की कोई बात नहीं सुनती है मुझे। अरे चंद्रा जी रुक, अरे सुनो बेटा, ये क्या कर रही है चंद्रा जी? रुकिए, अरे रुकिए। बहुत हो गया, अब हमें आपसे सच जानना है, हमें पता करना है कि सच क्या है और इस सब का मतलब क्या है। आज हम जान के ही रहेंगे। बताइए हमें, तुम जानना चाहती हो सच क्या है? हाँ सच जानना है हमें, बताइए। मैं बताता हूं तुम्हें सच क्या है चंद्रमुखी। सच ये है कि मैं नानी, पुलिस आई है। हमारे लिए रामायण की किताब लाए थे, आज हम आपके लिए वही लेकर आए। हमने सुना है कि इंसान बेहोशी में सब कुछ सुन सकता है और वो जितनी अच्छी बातें सुनता है उतना अच्छा असर होता है उस पर। तो जाहिर सी बात है, राम कथा से बढ़कर शायद ही और कोई अच्छी कथा हो सकती है। आप भी तो हमारे रामचंद्र जी हैं। चलिए आपको कुछ श्लोक सुनाते हैं। अर्थ है कि पापी चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना, अधर्म की राह पर चलने वाले की हार एक दिन निश्चित है और रावण का अंत अब करीब आ चुका है। आपको किसी पर शक है? नहीं। या फिर सागर का कोई दुश्मन है? नहीं, पता नहीं। या फिर घर में कोई आपसी लड़ाई? नहीं। तो हमारे पास इस घर के लोगों की लिस्ट है, उन सब से हमने बात कर ली है सिवाय हर्ष के। ये हर्ष कौन है जी? हर्ष हमारे पति। लेकिन इस वक्त वो कहाँ है? जी वो अभी घर में ही थे, पता नहीं, मैं उन्हें फोन लगाती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे। जब वो वापस आए तो उनसे कहना पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट करें। जी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इतने सारे सवाल, ये सब तलाशी किस लिए? आखिर कौन सागर को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? यही पता करने के लिए तो हम यहां आए हैं मिस्टर सिंह। कई बार होता है कि मुजरिम हमारी नजरों के सामने होता है
पर हमें दिखाई नहीं देता। चलो दूसरे कमरों को भी तलाशी ले लेते हैं। पुलिस। दरवाजा खोलिए। दरवाजा ठेल के देखो, शायद खुला हो। आप यहाँ कब आई? आप तो हॉस्पिटल में थी। जी हाँ, बस अभी भी आई हूँ। इनकी दवा का वक्त हो गया, इसलिए जल्दी से ऊपर आ गई। घर पर किसी को पता भी नहीं चला। वो क्या है ना, मेरे बिना ये एकदम लाचार हो जाते हैं। इन्हें ज्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ सकती ना। हम आपके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। जी सर। तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक है चलो। मुझे लगता है ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये जानना चाहते हैं कि आप तलाशी क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली इनकी हालत की वजह से सागर का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए प्लीज आप। आई अंडरस्टैंड। आप थोड़ी देर के लिए नीचे आएंगे, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है। ओके, चलिए आप। आपको किसी पे शक या कोई ऐसा शख्स जिसकी सागर से बनती ना हो? जैसे मिलनसार लड़के के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कि सागर पर किसी ने हमला किया है। उससे तो जो एक बार मिल ले वो उससे प्यार करने लग जाए। चलो, ऐसे में कोई मेरे भाई की जान लेने की कोशिश क्यों करेगा? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप इन स्टेटमेंट पे साइन कर दीजिए। जैसे ही कोई नया पहलू सामने आएगा हम आपको खबर कर देंगे।
धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।